हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज और उपचल पर। तो भाई आप सभी के लिए हरियाणा की सुबह सुबह की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा की ताजा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। और दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी शिकायत है, वीडियो तो आप सभी लोग देख लेते हैं पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं। तो आप सभी लोग लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं आज हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में हरियाणा में, आपको बता दें, 1096 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा हरियाणा में 54386 पर पहुंच गया है। राहत की बात आज यह है कि हरियाणा में 809 कोरोना को हराकर घर भी लौटे हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 44822 पर पहुँच गया है। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में 6 लोगों की आज कोरोना से मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी हरियाणा में 603 पर पहुंच गया है। और एक्टिव की बात करें हरियाणा में 8961 है। तो जी हां, इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें हरियाणा में अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर भी मिल जाएगा डिपो से राशन। आपको बता दें हरियाणा में रह रहे प्रवासी राशन कार्ड धारकों और सूबे से बाहर बसे हरियाणवी लाभार्थियों के लिए अब किसी भी राशन डिपो से अपना राशन लेने हेतु राशन कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी राशन की दुकानों से सस्ता राशन लेने के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और बायोमेट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे व उंगली के निशान देने होंगे। उन्हें अपनी हकदारी के हिसाब से जहाँ वे रह रहे हैं वहीं के स्थानीय राशन डिपो से राशन मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें वीकेंड का आज दूसरा दिन था। वहीं शहरों में दुकानें मॉल पूरी तरह बंद रहे हैं। आपको बता दें हरियाणा में अनलॉक 3 का आज 24वां दिन है। प्रदेश में दुकानें और मॉल पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि शनिवार को जिला प्रशासन की टीमों ने शहरों में घूम घूम कर दुकानें बंद करवाई थी। कुछ जगह दुकानदारों के चालान भी किए गए हैं। कैथल व कुछ अन्य शहरों में दुकानदारों को आग्रह करके दुकानें व अन्य व्यापारिक संस्थान बंद करवाए गए हैं। वहीं इस लॉकडाउन के बीच पीटीआई शिक्षकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें विधानसभा के 6 कर्मचारियों समेत अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पीए संक्रमित 6 मरीजों की कोरोना से मौत। आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीएम हाउस के बाद अब कोरोना विधानसभा भी पहुंच गया है। विधानसभा अध्यक्ष के पीए सहित विधानसभा के 6 कर्मी संक्रमित मिले हैं। ऐसे में 26 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सोमवार को लगने वाले कोरोना जांच शिविर में मामले की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का भांजा अमित गुप्ता उनके पीए का कामकाज देख रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की आवाज का पूरा कामकाज संभाल रहा है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें हरियाणा के गुड़गांव में 6 किलोमीटर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा। आपको बताएंगे बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें गुड़गांव में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा शनिवार रात में गिर गया। सोहना रोड पर बनाए जा रहे 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे मजदूर काम कर रहे थे और वहीं 2 मजदूर भी घायल हुए हैं। गलीमत ये रहे कि इस दौरान देर रात होने की वजह से ट्रैफिक कम था। जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें विरोध के बीच आयोजित हुई बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों की लिखित परीक्षा। जी हाँ, बड़ी खबर है। आपको बता दें प्रदेश सरकार ने भले ही शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन घोषित कर दिया हो लेकिन हरियाणा में रविवार को पीटीआई शिक्षकों की लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई है। लिखित परीक्षा देने के लिए पहुंचे कैंडिडेट की भीड़ कम दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी रहा है। रोहतक में आंदोलन कर रहे पीटीआई ने दावा किया प्रदेश के करीब 1750 पीटीआई ने इस बार परीक्षा का बहिष्कार किया है। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें अब पशुओं का भी होगा यूआईडी नंबर। आपको बता दें आदमी की तरह अब पशुओं के भी आधार कार्ड बनेंगे। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। इसके तहत पशुओं के कान में टैग एक लगाया जाएगा जिस पर 12 डिजिट का नंबर दर्ज होगा। प्रत्येक पशुओं की पहचान उसी नंबर से ही होगी। आधार कार्ड में पशुओं के टीकाकरण, उम्र, बीमारी, क्रय विक्रय की भी जानकारी रहेगी। इससे पशुओं की गिनती व उनकी बीमारी के बारे में जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी। जी हाँ, आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। आपको बता दें व्यापारिक संगठनों के गले नहीं उतर रहा है हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन। कांग्रेस भी विरोध में है। आपको बता दें बड़ी खबर है व्यापारिक संगठन
राज्य में साप्ताहिक वीकेंड लॉकडाउन के समर्थन में नहीं है। राज्य में शनिवार और रविवार को बाजारों की दुकान और दफ्तर बंद किए जाने के आदेश से व्यापारिक संगठन खुश नहीं है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश से सरकार ने शनिवार और रविवार को दुकान व दफ्तर बंद किए जाने के आदेश दिए थे। इस आदेश में यह भी साफ किया गया था कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। जी हां, इसी साथ आपको बता दें, कहते हैं अगर दिल से कुछ अच्छा करने की सोचो तो रास्ते खुद मिल जाते हैं। इसे सही साबित किया है सेफ इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों ने। आपको बता दें, गोविंद रसोई से मिल रहा है हजारों मरीजों व भूखों को मुफ्त में खाना। डाइटिशियन की सलाह पर बनता है भोजन। आपको बता दें, बड़ी खबर है, फाउंडेशन के प्रधान संजय सिंगला व चेयरमैन वाईके त्यागी ने नागरिक अस्पताल में गरीब मरीजों व कुपोषित गर्भवतियों की स्थिति देखकर उन्हें पौष्टिक भोजन देने की सोची है, लेकिन उनके समक्ष बजट की समस्या आन खड़ी हुई। फाउंडेशन के सदस्यों से इसकी चर्चा की तो उन्होंने अपने जेब से पैसे जोड़कर और कुछ लोगों से चंदा मांगकर इनकी शुरुआत की और इसका नाम दिया गया है गोविंद रसोई। जी हां, अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, जजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बांगड़ का स्वागत किया गया है। आपको बता दें, गोहाना से बड़ी खबर है, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए जाने पर हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर केसी बांगड़ का रविवार को गोहाना पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। तो जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का प्रतिशत दर बढ़ चुका है। आपको बता दें, गुरुग्राम जिले से बड़ी खबर है, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत दर बढ़ रहा है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि स्वस्थ होने का प्रतिशत दर 90.95% भी पहुंच गया है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,971 हो चुकी है और वहीं 9,978 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। सिविल सर्जन यानी CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव का कहना है कि मृत्यु दर 1.19 दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें, CMO ने कहा है कि रविवार को 2,047 लोगों की जांच रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 113 कोरोना मरीज मिले हैं और वहीं 70 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और वहीं 862 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी चल रहा है, जिसमें से 765 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जी हां, आपको बता दें, रविवार को 2,115 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और वहीं सोमवार को सभी की जांच रिपोर्ट आएगी। जिले में अभी तक 1,49,203 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। तो जी हाँ बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा के सुबह सुबह की फटाफट खबरें कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन